ये जी लेमन लेमन दे दो ये तीन आ गए लेमन मिक्स्ड टका टाक के ओए होए तवा पीस ओए होए तवा बोनलेस ओए होए नया दिन नई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान संगेड़ा। महंगाई के इस ज़माने में जब पेट्रोल हो चुका है 210 रुपए का और कुकिंग ऑयल हो गया है 600 रुपए का, तो हम करने वाले हैं 1000 रुपीज़ चैलेंज और चेक करेंगे कि 1000 रुपए में आप लाहौर में क्या क्या कुछ खा सकते हैं। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं तकरीबन 7 से 8 खाने ट्राई करूँ। तो चलो जी शुरू करिए फिर। मैं आ चुका हूँ अपनी पहली लोकेशन पे जो कि है चांद शहाबू स्वीट्स और ये मौजूद है खुसा मार्केट अंदरून टकसाली गेट पे। इसकी पिन लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे गली के दोनों साइडों पे आपको इनकी दुकान देखने को मिलती है। एक तरफ पूरियाँ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मटन की टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं जिसको देख कर आपके मुँह में पानी आएगा ही आएगा। और साथ ही वो सेटअप है जहाँ पे एक बड़ी सी परात हलवे से भरी हुई है। हलवे की खास बात यह है कि ये देसी घी में बनाया जाता है। साथ ही साथ दो पतीले पड़े हुए हैं जिसमें एक में है चने और एक में है आलू की भुजिया, और उनकी यूनिक बात यह है कि उसमें ये धनिया गरम मसाला और कलवंजी ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत सलाम। तो माशाल्लाह कितना पुराना ये सेटअप है अपना? ये माशाल्लाह जी 150 साल पुराना सेटअप है जी। चांद इनके दादा बू का नाम था, शाह इनके वालिद साहब का नाम है, असल नाम इनका जो है वो साजिद है। साजिद से कोई नहीं जानता, शेरू के नाम से सब लोग इनको जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और 150 साल पुरानी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह। देसी घी का काम है, साबित करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम है। जो आदमी कहे कि ये डाले घी का काम है, और आटे वाली बूढ़ी होगी, मटन की टिक्की होगी, देसी घी की हर चीज़ देसी घी का काम है। एक नाश्ता ला दो। तो ये देखें, सबसे पहले ये चने आ गए और उसके बाद ये है आलू की भुजिया, साथ ही साथ ये अचार हो गया जो कि प्याज हो गया, हाँ, और साथ ही ये आ गया अचार जिसमें आम का अचार भी है और गाजर का भी है। तो ये एक नाश्ता कितने का है? 100 रुपये का एक नाश्ता। इसमें हलवा भी होता है? हलवा लहदा होता है। तो 50 का हम हलवा करा लेते हैं, ठीक है जी। ये जी, तो ये हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है जिसमें ये है जी इनकी पूड़ियाँ, ये चेक करें जी, बड़ी क्रिस्पी सी, आए हाय 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 हाय। साथ ये वो है जी, चने हैं, भुजिया है, अचार है और प्याज हैं, साथ ये हलवा है। ये 100 रुपये का नाश्ता है और हलवा इसमें नहीं मिलता, हलवा हमने अलग से करवाया है 50 रुपये का। तो यहाँ पर हमारे ये 150 रुपये खर्च हो चुके हैं। चलें जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बाइट बनाते हैं चनों के साथ और आलू की भुजिया के साथ, साथ डालते हैं थोड़ा सा प्याज और अचार भी रख लेते हैं। पहली हमने मेगा बाइट बना ली है, ये चेक करें। ओए होए होए, फुल गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है इस टाइम। ओहो, इसमें जो गरम मसाला है ना और धनिया है उसका आपको एक यूनिक टेस्ट मिलेगा और प्रॉपर टेस्ट आता है। साथ ही साथ जो चने और आलू की भुजिया है ना उसमें बड़े लाइट से मसाले हैं, तो अगर आप उसको करारा करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि साथ अचार का तड़का लगा लें। तो अब एक बाइट बनाते हैं जिसमें हम अचार मिक्स करवा देंगे, चने आलू की भुजिया लेंगे, हल्का सा प्याज लेंगे और थोड़ा सा हलवा इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये मीठे और करारे का अपना एक कम्बिनेशन है। ये चेक करें, हाय 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 हाय, हलवे की लेयर नज़र आ रही होगी, नीचे प्याज उसके नीचे चने, ट्राई करते हैं जी।
क्या बात है। इस बाइक की खास बात ये थी कि मीठा और करारापन बड़ा बैलेंस हो गया था, तो अब अलग से हलवा ट्राई करते हैं। इसका बड़ा लाइट सा टेक्सचर है, ये चेक करें, ज़्यादा गोल्डन सा नहीं है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये देखें, इसमें आपको बादाम भी मिलता है। और तो ट्राई करते हैं, बादाम के साथ ही पहली बाइट बनाते हैं। ओए होए 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 होए, ये चेक करें, इनके हलवे में आपको हल्का सा मीठा मिलता है, और जिस तरह देखने में लाइट सा टेक्सचर है ना, उस तरह खाने में भी बहुत लाइट सा टेक्सचर है, ज़बरदस्त। और बिल्कुल भी अगर आप ये देखें ना, ये देखें, बिल्कुल भी अगर आप ये देखें तो आपको ऑयली उस तरह फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कोई ऑयल है। और इनका कहना है कि ये देसी घी में बनता है, तो मेरी तरफ से ये हलवा हाईली रिकमेंडेड है। हलवा पूरी हमने फुल अच्छे तरीके से रगड़ लिया और यहाँ पे तकरीबन हमारा 150 रुपया लगा है। मेरा बहुत ही दिल कर रहा था मटन टिक्कियाँ खाने को, लेकिन क्या करूँ, वो 250 रुपये की थी और हमने आउट ऑफ बजट चले जाना था, क्योंकि हमने अभी और भी बड़े खाने ट्राई करने हैं सिर्फ इस 1000 रुपये में। तो अभी नाश्ते के बाद आपका सबसे ज़्यादा जो मेरा जो गर्मियों में दिल करता है वो लस्सी का करता है, और अभी हम ट्राई करने वाले हैं फीके की लस्सी। फीके की लस्सी का ये सीन है कि यार, इसका मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छी है, कुछ कहते हैं कि नहीं यार मज़े की नहीं है। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मिलते हैं आपको गवाल मंडी में। तो ये है जी फीका बट लस्सी वाला, और ये जो गवाल मंडी फूड स्ट्रीट है ना, इसके बिल्कुल दरमियान में आपको ईजीली इनकी लोकेशन मिल जाएगी। जब आप इनकी दुकान पे जाके खड़े होंगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी वो ये है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना ये मक्खन को रेड़ रहे होते हैं। प्लस एक तरफ आपको लस्सियों से भरे गिलास देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर मक्खन की टोपिंग हुई होती है, और साथ ही साथ आपको खोए वाले पेड़े देखने को मिलते हैं। ये चेक करें, यहाँ पे ये सबसे पहले गिलासों की ये स्टेज तैयार की गई है जिसमें वो सबसे पहले मक्खन डाल रहे हैं उस पतीले से निकाल के। तो सबसे पहले गिलासों में मक्खन आता है, ये सरदाई आ रही है गिलासों में, मक्खन, उसके ऊपर सरदाई और उसके ऊपर खोए के पेड़े। ओए ओए ओए, ये चेक करें, ये हमारा लस्सी का गिलास आ चुका है जो कि है 220 रुपये का, और ये ऑलरेडी हमारे बजट के लिहाज से एक्सपेंसिव हो गया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऊपर ये चेक करें, आपको मक्खन की लेयर नीचे नज़र आएगी, नीचे है सरदाई और जो हमारा जो मुझे पेड़ा है ना वो बिल्कुल ही नीचे चला गया। तो खैर, पहले हम ऊपर से पीते हैं मक्खन के साथ। ये सरदाई होती है तो इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है। मुझे ये लगता है कि लोग ना शायद वो एक लस्सी की एक्सपेक्टेशंस बना के आते हैं, और जब उनको टेस्ट डिफरेंट मिलता है तो वो थोड़ा सा मायूस होते हैं। अब एंड में हम एक चम्मच बनाते हैं जिसमें हमने ये नीचे से खोया निकाला है और साथ थोड़ा सा मक्खन है। अगर आप खोए के पेड़े के साथ मक्खन की बाइट बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन आप अगर अलग से सिर्फ मक्खन ट्राई करेंगे तो बस वो फिर गुजारा ही है। मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ, फिर मिलते हैं आपको। लस्सी मैंने पी ली है, लेकिन सही बताऊँ तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। शुरू शुरू में तो सरदाई आपको अच्छी लगती है, लेकिन जैसे आप ज़्यादा पीते जाते हैं ना तो लगता है कि यार बड़ा हैवी सीन हो गया है। और मुझे पर्सनली अभी लग रहा है कि मैंने 1000 रुपये में से 220 रुपये तकरीबन ज़ाया ही कर दिए हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरे से तो वो पूरा गिलास भी नहीं पिया गया, काफ़ी भारी भारी हो गया था, तो मेरी तरफ से सीन मिस है। अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर जब खाना नीचे हो जाएगा तो लंच पे मिलते हैं आपको। अभी लंच का टाइम हुआ जाता है और ये जो पेट है ना हमारा, ये काफ़ी तन्हाई महसूस कर रहा है। कहानी ऐसे है कि हमारे पास तकरीबन 630 रुपये बचे हैं और बाकी का पूरा दिन गुजारना है। तो लंच की हमारी जो सबसे पहली लोकेशन है वो है तारिक चने। अच्छा जी, ये जो सामने चौक है ये है लक्ष्मी चौक, और ये आपको ऑरेंज लाइन का पुल नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे है दयाल सिंह कॉलेज, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे ये जो ये है ना, ये है तारिक चने। इनकी एक रेडी सी है, और इनकी स्पेशल बात ये है कि सुबह 6 से शाम 12 बजे तक आपको इनके चने मिलेंगे, और यहाँ पे तबाही का रश होता है।
यहाँ पे आपको एक पतीला देखने को मिलता है जो कि चनों से भरा हुआ है, जिसमें से धड़ाधड़ ऑर्डर तैयार हो रहे हैं, प्लेटें तैयार हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी 12 घंटे की सर्विस है, तो इन्होंने चने से भर के पीछे ड्रमियाँ रखी हुई हैं। जैसे ही मेन पतीले में चने कम होते जाते हैं, ये ड्रमियों से पतीले में शिफ्ट करते जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पे बम्बू किस्म का रश देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं और यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लोग हैं, वो यहाँ से आपको चने खाते हुए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इनकी ठंडी ठार चाटी की लस्सी का अड्डा देखने को मिलता है, जो कि ये बहुत ही फिट तरीके से तैयार करते हैं। आप मुलाहिजा फरमाएं। ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। वैसे तो इनकी चनों की प्लेट है 70 रुपए की, लेकिन हमने ये 60 रुपए के लगवाए हैं। और ये आप चेक करें, सादा चने हैं। एक होते हैं मुर्ग चने, ये बिल्कुल सादा चने हैं, काली मिर्च में बने हुए हैं, और ऊपर आपको एक तरी की लेयर देखने को मिलती है। साथ हमने एक नान लगवाया है। खैर, अब ये ट्राई करते हैं जी चने। खैर, इनके चनों में नमक थोड़ा सा कम है, बाकी जो सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेगा ना, वो मिलेगा जो प्योर काली मिर्च में चने बनाए जाते हैं ना। और ये सादा चने हैं, बिल्कुल सादा प्लेन चने जिसे हम कह सकते हैं। और अगर आप मुर्ग चने से तंग आ चुके हैं और वो क्या कहते हैं, बाकी टिपिकल लाहौरी चनों से तंग आ चुके हैं, तो ये थोड़े से डिफरेंट किस्म के चने हैं। अगर आप इस एरिया में आएँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ट्राई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक लाना ज़रा। तो ये जी, अब हमारी लस्सी की बारी आ चुकी है, और 70 रुपए का वो हमारा लंच हो गया, और 30 रुपए का ये लस्सी का गिलास हो गया। तो हमने यही सोचा था कि 100 रुपए से ऊपर इस स्टॉल पे नहीं लगाना, तो इसलिए हमने 60 रुपए के चने करवाए थे। तो ये हमारी ठंडी ठार चाटी की लस्सी आ चुकी है, ये चेक करें। ये मैं आपको ट्राई करने से पहले बता रहा हूँ कि ये लाहौर की बेहतरीन चाटी की लस्सियों में शुमार होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पी हुई है। ट्राई करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नान, दो नान। ओए होए होए, इस टाइम लाहौर में जितनी की गर्मी हो चुकी है ना, और जितनी मैं मेहनत से यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा जितनी इस टाइम गर्मी है ना, मैं कहूँगा ये गर्मी का असल दुश्मन ये है। वो कहते हैं ना आलू बुखारा, इमली आलू बुखारे का शरबत गर्मी का दुश्मन, लेकिन असल गर्मी की दुश्मन ये है लस्सी, क्योंकि आपके ये स्टमक के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। और इसका आपने अगर असल मज़ा लेना है ना, तो आपने आँखें बंद करके एक बहुत लंबा सारा सिप लेना है। आप देखेंगे कि आपके, मैं कहता हूँ, सीने में, कलेजे में, जिस्म के हर हिस्से में ठंड मचेगी। तारिक चने के बिल्कुल सामने आपको ये दो समोसे की दुकानें मिलेंगी। ये भी बेनज़ीर समोसा है, ये भी बेनज़ीर समोसा है। मैं वैसे आपको बता दूं, ये असली और पुरानी है। समोसे एक ऐसी चीज़ है जिसको देख कर मैं फ़ौरन पिघल जाता हूं, और इस टाइम मेरा बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, मैं बजट के हाथ से बहुत मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। ये है हमारी लंच की दूसरी लोकेशन, जो कि है सेक्रेट का मशहूर कूजी हलीम। तो ट्राई करते हैं और सीन चेक कराते हैं। इनकी दुकान पे आपको फुल रश देखने को मिलता है। आप चाहे सुबह 11 बजे आ जाएं या रात 11 बजे आ जाएं, लोगों का एक जमे गफीर होगा जो इनका हलीम ट्राई कर रहा होगा। यहाँ पे आपको दो देगें देखने को मिलती है। एक में है जी बीफ हलीम,
और एक में है चिकन हलीम। और असल सीन्स वो हैं जिस तरह ये भाई दड़ादड़ प्लेटें तैयार कर रहे हैं या फिर हलीम के पैकेट तैयार कर रहे हैं ना, उसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये हमारा ऑर्डर आ चुका है जिसमें ये है इनकी हलीम की प्लेट और ये है तकरीबन 100 रुपये की और ये नान है जी साथ इनका, तो ये हमारा टोटल 120 रुपये का खर्चा हो गया है। इनकी हलीम मैंने पहले ट्राई की हुई है तो इनकी हलीम शायद आपको थोड़ी फीकी लगे, तो रूल नंबर 1 ये है कि आपने स्पाइसेस यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के जनरेट करने होते हैं, कि यानी अगर आप हल्का मसाला खाते हैं तो थोड़ा सा कम डाल लें, यानी ख़ुद आपने स्पाइसेस क्रिएट करने होते हैं। तो ये हमने पहले मसाला डाल लिया है, ये आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ हो गया है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ। खैर ऊपर आप तड़का लगाएंगे, ये चेक करें कैरामलाइज्ड अनियन का, ओए 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 ठीक है। फिर मिर्चें तो मस्त है ना, क्योंकि ये जब दांत के नीचे आती है ना तो फिर ही मज़ा आता है। साथ आ गया ये थोड़ा सा पुदीना और सबसे ज़रूरी है ना जो वो ये है, ये देखें बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, ओए होए ये देखते हैं। लींबू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर हलीम हो या फिर वो हरीसा हो वो अधूरा है। अगर आपने इनका हलीम खाना है, बीफ हो या चिकन, आपको 11 से 4:30 के स्लॉट में आना पड़ेगा या फिर 5:30 से 11 बजे के स्लॉट में आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दरमियान का वक्फ़ा है ना इसमें ब्रेक हो जाती है और इसमें हलीम नहीं मिलता। और हमने भी बीफ ट्राई करना था लेकिन ये ब्रेक की वजह से हमें चिकन ही मिला, तो अब ट्राई करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी पहली बाइट बनाते हैं, पहली बहुत हैवी किस्म की बाइट है जिसमें कैरामलाइज्ड अनियन है, मिर्चें मुझे लगता है ज़्यादा हो जानी है, सब्ज़ मिर्चें ये थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये देखें जी आय हाय हाय सुभान सुभान अल्लाह, फुल थिक किस्म की हलीम है और ऊपर ये क्रिस्पी से जब कैरामलाइज्ड अनियन का तड़का लगता है प्लस आपने साइड पे लींबू छिड़का होता है उसका खट्टा सा टेस्ट आता है, तो ओवरऑल बड़ा फिट किस्म का कम्बिनेशन बन जाता है और एक एक फ्लेवर आपके यानी मुंह में फील होते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा किस्म का लींबू डालते हैं इस बाइट में ताकि हमें ज़्यादा मज़ा आए। ओह हाँ ओए हो हाय 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 हाय, ये बहुत हैवी बाइट होने वाली है और इसने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं तो इसने मुझे नचवा के रख देना अगर कोई दांत के नीचे आ गई। इसमें जो स्पाइस का लेवल है ना वो आपने अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक सेट करना होता है, तो अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा मसाला डाल सकते हैं और अगर आप लाइट खाते हैं तो थोड़ा डाल सकते हैं, फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया नहीं है। तो अभी जितने भी मैंने खाने ट्राई किए हैं उसमें मैं पेट्रोल का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं कर रहा, तो अभी सिर्फ खानों पे मेरे तकरीबन 590 रुपये लग चुके हैं और बकाया बचे हैं 410 रुपये। इस टाइम शाम हो गई है और मूड है कुछ स्नैक्स टाइप कुछ भी खाने को, सो अभी मैं जा रहा हूँ इस्लामपुरा में, वहाँ ट्राई करेंगे कैफ़े हमीद का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन प्लस्तर। सो हम आ चुके हैं कैफ़े हमीद का बन प्लस्तर ट्राई करने और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या गूगल पे भी आप कर सकते हैं। ये इस्लामपुरा वाला मेन रोड है और यहाँ पे है ये कैफ़े हमीद। यहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले आती हैं मक्खन की टिक्कियाँ, उसमें किया जाता है अंडे को फ्राई और उसके ऊपर बड़े प्यार से गर्म होने के लिए रख दिया जाता है बन को। जब अंडा और बन अच्छे से तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर आती है काली मिर्च नमक और उसके बाद आता है शामी और आपका गर्मा गर्म बन प्लस्तर तैयार है। और ये बन प्लस्तर तैयार हो गया। तो ये चेक करें, ये हमारा बन प्लस्तर आ चुका है जो कि है 100 रुपये का,
ये चेक करें जी, इसके अंदर आपको ये शामी की और अंडे की फिलिंग मिलेगी और कोई एक्स्ट्रा स्टफ नहीं होता भाई जान, अल्ट्रा अल्ट्रम शल्ट्रम अल्ट्रम पल्ट्रम कुछ भी नहीं डाला हुआ। तो ट्राई करने वाले हैं ये इनका बन प्लस्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहली वाइब आपको आती है ना जब आप खाते हैं ना क्लब सैंडविच, उसमें आपको एक वाज़ेह टेस्ट आता है फ्राई अंडे का, बिल्कुल वही चीज़ है। और एक चीज़ जो इसका मैं प्लस पॉइंट कंसीडर करूँगा कि जो टिपिकल अंडा शामी मिलता है ना लाहौर में, उससे ये बहुत 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 बेहतर है। वो ऐसे कि उसमें एक तो एक्स्ट्रा सलाद के नाम पे बंद गोभी डाल देते हैं जिसकी वजह से अपना अंडा शामी का टेस्ट मर जाता है, फिर वो एक्स्ट्रा मायोनीज केचप सो वो ओरिजिनल बर्गर का टेस्ट मार देती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको अंडे का बन का और शामी का एग्जैक्ट टेस्ट आएगा। तो अगर आप उस टिपिकल अंडा शामी से तंग हैं तो आप ये बन प्लस्तर ट्राई कर सकते हैं। कहानी ऐसी है कि अभी मेरे पास बचे हैं ये 310 रुपये और मैं सोच रहा हूँ कि डिनर की कोई ऐसी लोकेशन ढूँढी जाए जहाँ पे मैं 200 तक का खाना खा लूँ और बाकी मेरे पास 70-80 रुपये या 100 रुपया बच जाए जिसका मैं कोई ना कोई ड्रिंक पी लूँ या फिर कुछ मीठा खा लूँ। लेकिन ये टास्क मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदरून में और कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी लोकेशन ढूँढ लूँ। और बाकी कहते हैं कि ढूँढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो होपफुली लोकेशन मिल जाएगी। सीन्स आपको सिर्फ अंदरून में ही मिलेंगे, ये चेक करें। जैसे ही मैं मोची गेट से अंदर आया मेरा मूड बना पाक पंजाब टिक्का का, लेकिन जब मैंने उसकी रेट लिस्ट चेक की ना तो मुझे पता लगा कि यार ये तो अपनी औकात से बाहर है। उससे थोड़ा सा ही आगे मैं गया, मुझे मिल गया साईं के कबाब और मैंने इसका काफ़ी नाम भी सुना हुआ था, तो मैंने कहा आज यही ट्राई करते हैं। साई के कबाबों के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इनका कहना है कि इनकी ये दुकान पाकिस्तान बनने से पहले की है। एक तरफ चिकन कबाब बीफ कबाब तैयार हो रहा है जबकि दूसरी तरफ गर्मा गर्म चिकन टिक्का तैयार हो रहा है। पीछे तवा लगा हुआ है जहाँ पे क्या तवा कढ़ाई, तवा कढ़ाई रेशमी बोटी, रेशमी बोटी जी। आगे आगे गुर्दा का पूरा मिक्स टका टाक, ओए हो तवा पीस, ओए हो तवा बोनलेस, ओए हो ब्रेड मसाला, क्या बात है। लेकिन अभी हमने अपने बजट को देखते हुए हमने अभी इनके ट्राई करने हैं बीफ कबाब, तो चलें जी। और इनका वो जो बीफ कबाबों का स्टफ़ काफ़ी हैवी लग रहा है। ये हमारा गर्मा गर्म ऑर्डर आ चुका है जिसमें हमने ये जी इनके चेक करें जी, ये बीफ कबाब 3 करवाए हैं और मेरा ख्याल इसमें पेट भर जाएगा। ऊपर से बड़ी क्रिस्पी सी लेयर है इनकी, ओए होए 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 सुभान अल्लाह। अच्छा जी, 70 रुपये का ये एक कबाब है तो 210 रुपये ये हो गए, 7 2 नान और ये है जी इनका स्पेशल रायता और चटनी और सलाद। पहले हमने ये लीमू छिड़क लिया और अब ये कबाब ट्राई करते हैं, ये चेक करें। ओए 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको लगवाते हैं अब होता। पहली बाइट में आपको इनके बीफ कबाबों में बीफ के साथ प्याजों के मसाले का बड़ा हैवी टेस्ट आता है। और अगर आप नान के बगैर कबाब इनका सिर्फ खुबानी की चटनी के साथ खाते हैं ना तब भी आपको मज़ा आएगा। प्लस जो नॉर्मली आलू बुखारे की या खुबानी की टिपिकल सी चटनी लाहौर में कहीं पे मिलती है उसमें आपको थोड़ा सा मीठा टेस्ट भी आता है, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। ये थोड़ी सी स्पाइसी टाइप की है, मीठा वाला टच बिल्कुल भी नहीं है। तो बीफ कबाब हमने इनके खा लिए और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे लगे हैं 240 रुपये और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि तकरीबन 60 रुपये बच गए हैं। तो अब मैं आपको पिलाने वाला हूँ मटका मिर्ची सोडा। मैं फिर से आ चुका हूँ एग्जैक्टली लक्ष्मी चौक पे और इसके यहाँ पे ये देखें जी, ये है दयाल सिंह कॉलेज और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे है जी मटका मिर्ची। और यहाँ पे आप रश चेक करें, आवाम पागल हुई है। जितनी इस टाइम लाहौर में गर्मी है ना तो ये आप समझें उस गर्मी में बिल्कुल जन्नत की मानिंद है।
पास आपको यहाँ पे मटका मिर्ची के चार फ्लेवर्स मिलेंगे, जिसमें लेमन है, इमली है, आड़ू है और फालसा है। मैं सही बताऊँ, मेरी बैंड बज चुकी थी क्योंकि मैं सुबह से शूट कर रहा था, लेकिन अभी मैंने इनका सोडा पिया नहीं है, सिर्फ बनते हुए देखा है और मैं अपने अंदर एनर्जी फील कर रहा हूँ। सो अभी आपको ना, आपको भी लाइव सीन चेक कराते हैं। चेक करें जी, लाइन में सोडे तैयार होने लगे हैं। दो लेमन, दो इमली सुख रहे हैं मेरे यार। इससे पहले इन्होंने इसके अंदर ये देखें पुदीना और कैप्सिकम ऐड किया है, उसके बाद अभी ये बर्फ आ रही है धड़ाधड़ लाइन में। पेपर का पैकेट भी आए थे फोन के। ये देखें जी, इसमें आपको ये पुदीना और कैप्सिकम देखने को मिलते हैं। अब आ गई है बर्फ और उसके बाद अब आएगा फ्लेवर। ये यहाँ से जी देखें फालसा, कौन सा फ्लेवर? लेमन। ये जी लेमन, लेमन दे देगा। ये तीन आ गए लेमन। ये है जी इनका इमली फ्लेवर। ओए ओए ओए, फालसा, आड़ू, इमली ते लेमन। दो इमली लेमन बना रही है। और ये है आड़ू। अब आएगा इसमें नमक। और एंड में आएगा अब ये सोडा। लेमन मैंने इनका पी चुका हूँ, वो भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अभी मैंने भाई से पूछा तो कहते जी भाई इमली हमारा फेवरेट है, तो इमली आप ट्राई करें। ये आ गया जी फ्लेवर सबसे पहले। ओए होए होए, इसमें आप इमलियाँ चेक करें। अब आ गया नमक और ये आ गया हमारा सोडा। क्या बात है, ये 50 रुपए का है जी भाई, सिर्फ 50। ये जी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। ये हमारा आ चुका है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इमली मिर्ची सोडा। और सबसे पहले मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का, जहाँ पे आपको बुरे से बुरा सोडा भी 70, 80 और 100 रुपए का मिलता है, ये दे रहे हैं 50 रुपए का। ट्राई करते हैं जी। हुए 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 हुए, बहुत ही आला और बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का है। आपको जो शुरू के सिप्स में इमली और सोडे का मिक्सचर मिलता है ना, वो बहुत ही आला है। और ये इतना रिफ्रेशिंग है कि आपके दिमाग तक ठंड जाती है, वो आपका माइंड 2 मिनट के लिए फ्रीज कर देता है। और जैसे जैसे आप नीचे से सिप लेते जाएंगे ना, आपको एक तो पुदीने का टेस्ट आएगा हल्का हल्का सा, और साथ ही साथ मिर्ची का तीखापन फील होगा, यानी वो आपको गले में फील होती है। तो ऐसा कम्बिनेशन, ऐसा सोडा मैंने इससे पहले लाहौर में कभी ट्राई नहीं किया। मेरी तरफ से ये आपको हाईली रिकमेंडेड है। मैं इस टाइम आपको नज़र नहीं आ रहा हूँगा, लेकिन एंड में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, दिल मांगे मोर, हो जाए मटका मिर्ची एक दफ़ा और। तो यहाँ हमारी ये वीडियो इख्तिताम पसीर होती है। मैंने पूरा दिन में पेट भर के खाने खाए और एंड में मैंने ये 10 रुपये बचा भी लिए हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि लाहौर में 1000 रुपये में तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप फ्यूल के पैसे एक्सक्लूड कर दें, कि अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो तकरीबन आपका 1500 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो भाईजान, लाइक करो वीडियो को, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात है, जल्दी से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबा।